2016 125व्या बाबासाहेबांच्या 125व्या जयंतीनिमित्त एक 3 भाषांचा कार्यक्रम घ्यायचा असं ठरलं आणि मग हिंदी मराठी उर्दू अशा 3 भाषांचे कविता नजमा आणि शायरी म्हणून हा काव्योद्गार ऐलान या नावाने आम्ही सुरू केला. पहिल्या वर्षी खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला त्यामुळे आमचीही हिम्मत वाढली आणि लोकांची पण डिमांड राहिली की असे कार्यक्रम व्हायलाच पाहिजे म्हणून. तर त्याच्यामुळे मग आम्ही मागच्या वर्षी पण घेतला ऐलान 2017 आणि यावर्षी 2018 सुद्धा आम्ही ऐलान हा प्रोग्राम घेतला आहे. यामध्ये भारतातल्या विविध स्टेटमधून मग हिंदी असेल शायर असतील हिंदीचे कवी असतील तर यांना इथं बोलवायचं आणि त्यांना नागपुरातील लोकांच्या समोर ते जेव्हा कविता प्रेझेंट करतील तर तेव्हा त्यांना आणि आपल्याला आपण जे लिहितो आहे यांच्यामध्ये भावनांचं काय हे आहे त्यांच्या भावना आणि आपल्या भावना यात काही फरक असतं का किंवा भाषा फक्त बदलली असली तरी भावना तशाच नसतात का याचंही एक मूल्यमापन आणि एक अवलोकन यानिमित्तानं करता येतं आणि एक नवीन साज या सगळ्या याला वातावरणाच्या निर्मितीतून तिन्ही भाषेच्या या संगमातून एक वेगळा आनंदही रसिकांना मिळतो आणि जे येणारे इथले कवी असतात गायक असतील किंवा आपला शायर असतील तर यांना एक यांनाही स्वतःला तो एक चांगला आनंद यापासून मिळतो की मी अशा याच्यामध्ये होतो की ज्याच्या 3 भाषेचा संगम होता आणि मी त्या ठिकाणी शेअर केलेलं आहे हे त्यांच्यासाठी सुद्धा आणि आमच्यासाठीही सुद्धा खूप चांगलं आहे आणि भविष्यातही असेच प्रोग्राम दरवर्षी होत राहतील आणि चांगले कवी चांगले शायर या निमित्ताने आम्ही नागपुरात बोलू एवढं एक या निमित्ताने सांगू इच्छितो. फ्लड लाइट लगाकर माओं पर तोड़े गए बलात्कार के अपराध बोध में वे मां से बेहद प्यार करते हैं और इससे भी ज्यादा वे प्यार करते हैं भारत मां से और इससे भी ज्यादा वे प्यार करते हैं भारत मां से. बस्तियां जलाकर लौटते हुए विफल किलकारियों में जब वे भारत माता की जय बोलते हैं तो श्रद्धा से मकतूलों की खिड़कियां बन जाती हैं हत्यारे बहुत पारिवारिक होते हैं. वे अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते हैं इसलिए हर बिस्तर पर सहवास के चरम क्षणों में वे अपनी पत्नी को याद कर भभक पड़ते हैं. वे जानवरों के बेहद करीब होते हैं सिंह को पालतू बनाते हैं और उनकी दया के कुछ छींटे कुत्ते के पिल्लों तक भी पहुंच जाते हैं. खंजरों को साफ करते या आस्तीन से खून के धब्बे मिटाते वक्त वे पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाते या कविताएं लिखते हैं. खंजरों से खुद को साफ करते या आस्तीन से खून के धब्बे मिटाते वक्त वे पुराने फिल्मी गाने गुनगुनाते या कविताएं लिखते हैं. उन्होंने हत्या के कलात्मक विकल्प तैयार किए हैं जी यकीन मानिए इतना बड़ा है उनकी करुणा का दायरा कि कभी कभी वे हत्या भी नहीं करते. अपनी पैनी आंखों में सनातन सम्मोहन साध कर वे हमें खुदकुशी के फायदे समझाते हैं. उन्होंने हत्या के कलात्मक विकल्प तैयार किए हैं जी यकीन मानिए इतना बड़ा है उनकी करुणा का दायरा कि कभी कभी वे हत्या भी नहीं करते. अपनी पहनी आंखों में सनातन सम्मोहन साध कर वे हमें खुदकुशी के फायदे समझाते हैं और हम खुद अपनी गर्दन उतार कर उनके कदमों में रख देते हैं. हिंदू धर्म दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म है. अब मुतमईन हूं इस बात से कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे सहिष्णु धर्म है. इसमें दया करते हैं सभी जीवों पर सभी इंसानों में ईश्वर को देखते हैं और सारी दुनिया को समझते हैं परिवार अपना. यहां तक कि जमहूरियत भी हिंदू राष्ट्र में ही पनप सकती है मुतमईन हूं इस बात से. तो
तो हे धर्म राष्ट्रवादी, मुतमईन हूं इस बात से तो हे धर्म राष्ट्रवादी, मुझे हिंदू धर्म की शरण में लें, संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि, मैं जानता हूं मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है सवाल। मैं जानता हूं मोक्ष के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है सवाल। मोक्ष का रास्ता समर्पण से जाता है, परंतु मैं कौन सा हिंदू बनाया जाऊंगा हे मर्द राष्ट्रवादी। मैं कौन सा हिंदू बनाया जाऊंगा हे मर्द राष्ट्रवादी। मैं ब्रह्मा के मुख से जन्म लूंगा कि उनके पैरों से पैदा होऊंगा। मैं ब्रह्मा के मुख से जन्म लूंगा कि उनके पैरों से पैदा होऊंगा। मरी गाय की खाल उतारूंगा या गाय के लिए जिंदा इंसानों की खाल उतारूंगा। मरी गाय की खाल उतारूंगा कि गाय के लिए जिंदा इंसानों की खाल उतारूंगा। नहीं, मायूस ना हो मुझसे, इन सवालों का जवाब मिलते ही परचम उठा लूंगा हिंदू राष्ट्र का। कृपया बताएं कौन सा हिंदू बनूंगा मैं। मेहनत को ईश्वर मानने वाला रैदास बनूंगा कि अछूत ईश्वर को मंदिर के बाहर बैठाने वाला मनु बनूंगा। मेहनत को ईश्वर मानने वाला रैदास बनूंगा कि अछूत ईश्वर को मंदिर के बाहर बैठाने वाला मनु बनूंगा। गांधी वाला कि गोडसे वाला, गांधी वाला कि गोडसे वाला, राम वाला कि नाथू राम वाला, राम वाला कि नाथू राम वाला। कौन सा हिंदू बनूंगा हे धृतराष्ट्रवादी। कई अर्जियां लिखी थी, दो आपको सुना रहा हूं। दूसरी है मॉब लिंचिंग के लिए अर्जी। मुझे महसूस करने दो कि मधु हूं मैं, मेरा चेहरा किसी पेड़ की गांठ की तरह सख्त और चेहराया हुआ है। मुझे महसूस करने दो कि मधु हूं मैं, मेरा चेहरा किसी पेड़ की गांठ की तरह सख्त और चेहराया हुआ है। मेरे जुड़े हुए हाथ पीले सूखे पत्ते की तरह कांप रहे हैं। मुझे घेर कर खुशी में किलकारी मारती भीड़ के रक्तिम दांत और मोबाइल के फ्लैश चमक रहे हैं। एक मुट्ठी चावल की चोरी का इल्जाम है मुझ पर, एक मुट्ठी चावल की चोरी का इल्जाम है मुझ पर, पर भूख से नहीं मरूंगा मैं, मुझे हिंसा की भूख मार देगी। एक मुट्ठी चावल की चोरी का इल्जाम है मुझ पर भूख से नहीं मरूंगा मैं, मुझे हिंसा की भूख मार देगी। मुझे महसूस करने दो कि मधु हूं मैं, मुझे महसूस करने दो कि पहलू खान नाम है मेरा, मुझे महसूस करने दो कि पहलू खान नाम है मेरा। मैं भीड़ के तेज बढ़ते कदमों के सामने खिसट रहा हूं, एक चुल्लू पानी की अरदास करता। ता हद नजर फैले हुए ये खेत दश्त करबला है, हुकूमत यजीद में मजलूमों को हराम है पानी। ता हद नजर फैले हुए ये खेत दश्त करबला है, हुकूमत यजीद में मजलूमों को हराम है पानी। मैं पानी मांगता हूं, भीड़ खून थूकती है, हलक में कांटे हैं पर प्यास से नहीं मरूंगा मैं, हलक में कांटे हैं पर प्यास से नहीं मरूंगा मैं। मुझे इन आंखों में बगुलों की तरह उमड़ती लहू की प्यास मार देगी, मुझे इन आंखों में बगुलों की तरह उमड़ती लहू की प्यास मार देगी। मुझे महसूस करने दो कि पहलू खान नाम की अजन्मी बिटिया की ओर से। सब कुछ ठीक था अम्मा, तेरे खाए अचार की खटास
तेरी चखी हुई मिट्टी अक्सर पहुंचते थे मेरे पास। सब कुछ ठीक था मां, तेरे खाए अचार की खटास, तेरी चखी हुई मिट्टी अक्सर पहुंचते थे मेरे पास। सूरज तेरी कोख से छन कर मुश्तक आता था, सूरज तेरी कोख से छन कर मुश्तक आता था। मैं बहुत खुश थी अम्मा, मुझे लेनी थी जल्दी ही अपने हिस्से की सांस, मुझे लगनी थी अपने हिस्से की भूख, मुझे देखनी थी अपने हिस्से की धूप। मैं बहुत खुश थी अम्मा, अब्बू की हथेली की छाया तेरे पेट पर देखी थी मैंने, मुझे उनका चेहरा देखना था, मुझे अपने हिस्से के अब्बू देखने थे, मुझे अपने हिस्से की दुनिया देखनी थी। मैं बहुत खुश थी अम्मा, एक दिन मैं घबराई पिछली जैसे मछली तेरी कोख के पानी में, एक दिन मैं घबराई पिछली जैसे मछली तेरी कोख के पानी में, पानी में किस चीज की छाया थी अनजानी, मुझे लगा तू चल नहीं खिसट रही है, मुझे चोट लग रही थी अम्मा। फिर जाने क्या हुआ, मैं तेरी कोख के गुनगुने मुलायम अंधेरे से निकलकर चटक धूप फिर चटक आग में पहुंच गई। वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था मां, अपनी उन आंखों से जो कभी नहीं खुली मैंने देखा बड़े बड़े डॉक्टर तुझ पर झुके हुए थे, उनके हाथ में तीन मुंह वाले बड़े बड़े नश्तर थे अम्मा, उनके हाथ में तीन मुंह वाले बड़े बड़े नश्तर थे अम्मा। वे मुझे देख चीखे, चीखे किस लिए अम्मा, क्या खुश हुए थे मुझे देखकर, चीखे किस लिए अम्मा, क्या खुश हुए थे मुझे देखकर। बाहर निकलते ही आग के खिलौने दिए उन्होंने अम्मा, बाहर निकलते ही आग के खिलौने दिए उन्होंने अम्मा। फिर तो मैं खेल में ऐसा बिसरी कि तुझे देखा नहीं, फिर तो मैं खेल में ऐसा बिसरी कि तुझे देखा नहीं। तूने भी अंतिम हिचकी से सोहर गाई होगी अम्मा, तूने भी अंतिम हिचकी से सोहर गाई होगी अम्मा। मैं कभी नहीं जन्मी अम्मा और इसी तरह कभी नहीं मरी, मैं कभी नहीं जन्मी अम्मा और इसी तरह कभी नहीं मरी। अस्पताल में रंगीन पानी में रखे हुए अजन्मे बच्चों की तरह मैं अमर हो गई अम्मा, अस्पताल में रंगीन पानी में रखे हुए अजन्मे बच्चों की तरह मैं अमर हो गई अम्मा। लेकिन यहाँ रंगीन पानी नहीं, चुभती हुई आग है, मुझे कब तक जलना होगा अम्मा। संत कबीर बहुदेशीय शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित ऐलान 2018 मराठी हिंदी और उर्दू का त्रिवेणी संगम कविता नज्म एवं शायरी। मराठी भगवान ने अभी जिनकी पंक्तियों ने नज्म ने हमें भाव विभोर कर दिया है, इससे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से नागपुर आए अंशु मालवीय जी। इन दो पड़ावों के बाद हम आते हैं शहर दिल्ली से आए जनाब। सियासी लोगों पर बहुत सी शायरी होती है, नेताओं पर। मैंने एक मतला दो लाइनें कही हैं, यहां से बात शुरू करता हूं। अर्ज करता हूं कि दर्द पहले वो मतला पढ़ देता हूं, उसके बाद दूसरे शेर सुनाऊंगा। शेर यह है कि सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। सदियों में दो चार ही रहबर होते हैं,
बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं, बाकी सब स्पीड ब्रेकर होते हैं। और यहाँ से कुछ गजल के नर्म नाजुक लहजों से आपकी मुलाकात कराता हूँ। बहुत गंभीर शायरी आपने सुन ली, थोड़ा सा आपको लाइट किया जाए। अर्ज करता हूँ कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, बहुत शुक्रिया, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। एक मतला और दो शेर, एक शेर और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि गहन पेड़ की छांव को लग गया। गहन, देखिए शायरी का ये कमाल हो सकता है कि शायरी में छांव में भी गहन लग सकता है। ये शायरी की एक अलग अपनी दुनिया होती है। अर्ज करता हूं कि गहन पेड़ की छांव को लग गया, ये क्या रोग इस गांव को लग गया। ये गहन पेड़ की छांव को लग गया, ये क्या रोग इस गांव को लग गया। एक लफ्ज आएगा हिजर, हिजर कहते हैं विरह या बिछड़ जाना, जुदाई। ये मतलब इसलिए बता रहा हूं कि ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो जब मैं शेर पढ़ूं। अर्ज करता हूं कि गहन पेड़ की छांव को लग गया, ये क्या रोग इस गांव को लग गया। और तेरा हिजर अब मुझको खलता नहीं, तेरा हिजर अब मुझको खलता नहीं, ये रास्ता मेरे पांव को लग गया। तेरा हिजर अब मुझको खलता नहीं, ये रास्ता मेरे पांव को लग गया, ये रास्ता मेरे पांव को लग गया। एक पतला और मुझे याद आ रहा है, अर्ज करता हूं आपको अच्छा लगेगा, बहुत से मौकों पर आपको तजर्बा रहा होगा। अर्ज करता हूं कि मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, मौजों से लड़ते वक्त तो मैं उसके साथ था, साहिल पे उसके हाथ में कोई और हाथ था। मौजों से लड़ते में फकत तेल नहीं चलता है, और शेर यूं कहा है कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, कि उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, उससे मिलने की खुशी बाद में दुख देती है, जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है। और ये शेर भी आज के आयोजन के हवाले से आप सब लोगों को अर्पित करता हूं, ये शेर आपको एंडोर्स करता हूं, आपकी नजर करता हूं, ऐलान को भी, और खासतौर से हमारे भाई किरण साहब को। शेर पढ़ता हूं कि जश्न के बाद का सन्नाटा बहुत खलता है, और शेर ये कहा है कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, कि तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, तुम शराफत कहां बाजार में ले आए हो, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है, ये वो सिक्का है जो बरसों से नहीं चलता है। चंद शेर और पढ़ देता हूं। अर्ज करता हूं कि उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता हो, उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता हो, मुझको आसानी से खोना भी नहीं चाहता हो। उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता हो, मुझको आसानी से खोना भी नहीं चाहता हो, और उससे उठता भी नहीं सीने पे रखा हुआ बोझ, उससे उठता भी नहीं सीने पे रखा हुआ बोझ, और खुलकर कभी रोना भी नहीं चाहता हूं। ये उससे उठता भी नहीं सीने पे रखा हुआ बोझ, और खुलकर कभी रोना भी नहीं चाहता हूं, और खुलकर कभी रोना भी नहीं चाहता हूं। एक शेर मुझे याद आ रहा है, आज की तरह जो कविताएं पढ़ी गई, अर्ज करता हूं कि उदास झीलों में मेहताब डाल देता है, उदास झीलों में मेहताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। उदास झीलों में मेहताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और शेर ये पढ़ रहा हूं आज की शाम में। आज देखिए एक साहब इतना बुरा माहौल है, हमें तो खुशी हुई कि आप लोग आवाज उठा रहे हैं उसके खिलाफ, वरना हम तो सकते में चले गए, हम लोग तो कोमा में है। इतना खराब, इतनी नफरतें भर दी गई है, न जाने कहां से कौन सी फैक्ट्री चल रही है। आप अखबार उठाइए, टीवी खोलिए, सोशल मीडिया पर जाइए, हर लम्हा
हर पल कोई ऐसी खबर आ जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई ऐसा बयान किसी का सामने आ जाता है, कोई ऐसा वीडियो वायरल कर दिया जाता है, हमको लगता है कि हम लोग आपस में लड़ क्यों नहीं रहे। लेकिन ये हिंदुस्तान मोहब्बतों की सरजमीन है और ये नफरतों को बर्दाश्त नहीं करती। ये भारत की मट्टी की खूबी है। कुछ वक्त के लिए नफरतें आती हैं लेकिन आखिर में जीत मोहब्बत की होती है। मैं शेर पढ़ता हूँ ताकतों के नाम, पहचानिए आप उन ताकतों को। शेर पढ़ता हूँ कि उदास झीलों में मेहताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरा गुजरती है, बहुत शुक्रिया, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। चंद शेर यहां से और याद आ रहे हैं। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल लुकती है मेरा सुर टूट जाता है, तुम्हारी ताल लुकती है मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़ कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल लुकती है मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़ कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। कुछ हल्की फुल्की ताली बजी शेर पर, लेकिन आखिरी दो जो लाइन है उनके लिए बचा कर रखी ताली, जो पढ़ने जा रहा हूं। अच्छा कि आपने तालियां बचा ली। पेश करता हूं कि तुम्हारी ताल लुकती है मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। दो लफ्ज आएंगे, पहली पंक्ति में तजलील यानी इंसल्ट करना, जलील करना, और दूसरी पंक्ति में तकब्बुर यानी प्राउड, घमंड। अब शेर सुने आप। तुम्हारी ताल लुकती है मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, और कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। कोई अपमान करता है तो उससे दुख तो होता है मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। चंद लाइनें पढ़ने की और मैं यहां हिम्मत कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि बहुत सी समस्याएं बयान की गई लेकिन मैंने समस्याओं की जड़ में पहुंचने की कोशिश की है। पेश करता हूं, अर्ज करता हूं, सुने अंशु भाई, अर्ज करता हूं कि साफ जवान जंग हारे जाएंगे और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। चार पंक्तियां यहां से और सुन ले, इसी मूड की हैं। अर्ज करता हूं, एक बड़ा तबका जिसकी आवाज उठाई जा रही है, वंचित समाज, उसकी बात मैं कर रहा हूं, उसकी वकालत करता हूं, आपका शेर है। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज की इजाजत दी जाए, कि खुद हमें अपने तहफ्फुज की इजाजत दी जाए और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ्फुज की इजाजत दी जाए, हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए, कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। चंद शेर आखिर में बस और हल्के फुल्के पढ़ देता हूँ क्योंकि सभी रंग की गजलें होती हैं। दो तीन एक दो गजल के शेर और पढ़ देता हूँ। अर्ज करता हूं कि ये गजल जो मैं आजकल इधर पढ़ रहा हूं वो मैं सुना देता हूं कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, वो ये फिर मायूस नहीं होना उनको, मैं शेर पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। जला के आंखें सियाह शब को खंगालना है, इसी अंधेरे से हमको सूरज निकालना है। और ये शेर जरा सा आप उसका एंजॉय करिए शेर को, ये घर घर में कहानी होती है, मैं शेर पढ़ रहा हूं। अर्ज करता हूं कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा। ये तमाम लोग या तो अपनी पत्नियों को सुना सकते हैं शेर, या अपने महबूबाओं को सुना सकते हैं कि जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है।
और एक बड़ा सादा सा शेर कि वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। वो संग दिल है मगर उसे मोम कर रहा हूं, इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है। और ये शेर खास तौर से पढ़ रहा हूं साहब, इतना कंपटीशन है, इतना मुकाबला है कि कई मर्तबा आपको जिस स्थान पर होना चाहिए, जिस मकाम, जिस ओहदे पर होना चाहिए, आप नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर आप उस मनसब पर, उस ओहदे पर नहीं पहुंचते तो आपकी सलाहियत कम है, ऐसा नहीं है, आपकी सलाहियत बराबर की है। लेकिन इतनी भीड़ है कि फैसले जो है वो लॉटरी से करने पड़ रहे हैं, बस टाई ब्रेकर हो जाता है तो फिर फैसला किस तरह होता आप जानते हैं। तो मैंने उस टाई ब्रेकर को गजल में ढालने की कोशिश की है और एक मैसेज दिया है, अर्ज करता हूं, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। शेर पढ़ता हूं कि इन्हीं चट्टानों से मुझको दरिया निकालना है, और शेर यह है कि शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो। सुने निरंजन भाई, आपने बहुत अच्छा संचालन किया, ये शेर आपके काम का है, आप सब भी सुना। अर्ज करता हूं कि शिकस्त जिसका नसीब होगी, शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। शिकस्त जिसका नसीब होगी कुछ उसका सोचो, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है, तुम्हारा क्या है तुम्हें तो सिक्का उछालना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। कि वही गली जिसकी हम कभी खाक छानते थे, सितम तो ये है उसी पे अब खाक डालना है। जो बाकी चीजें हैं वो तो मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें ये करना है सिर्फ हमको संभालना है, तुम्हें ये करना है सिर्फ मुझको संभालना है। आखिरी बस एक गजल, फिर आपका तमाम काफी जहमत हुई, एक गजल आखिर में और पढ़ देता हूँ और उसके बाद आपकी जहमतें तमाम हो जाएगी। ये जरा सा थोड़ा सा कुछ इसका जो डिक्शन है थोड़ा हार्श है, लेकिन कहना पड़ता है इस तरह की बात भी। अर्ज करता हूँ कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पर जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, शुक्रिया, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और ये शेर पढ़ता हूं, ये शेर गजल का हो गया है लेकिन आपको अच्छा लगेगा, दरमियान में आ गया है। देखिए, दीवानगी की जरूरत होती है, पैशन चाहिए होता कुछ भी करने के लिए, और उसके लिए आदमी अगर उसको शऊर आ जाए, उसको अकल आ जाए, तो फिर वो दीवानगी नहीं रहती और काम में नहीं बनता है, वही हो रहा आजकल। शेर पढ़ता हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और शेर यह है कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, यानी दीवानगी पे, जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। जब गजल कही जाती तो किसी पंक्ति पर जब पंक्ति लगाई जाती है उसको कहते हैं गिरह लगाना, बड़ा वो एक फन माना जाता है कि साहब फला के मिसरे पे आपने मिसरा लगा दिया, बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने इसको भी एक बयान किया अपनी गजल में। अर्ज करता हूँ ये शेर भी आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ, कि दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। और ये शेर भी पढ़ रहा हूं कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, आज के जो सरकारी आयोजन होते हैं क्या हाल होता है। मुकर्रिर कहते वक्ता को, उर्दू में मुकर्रिर वक्ता स्पीकर। शेर पढ़ता हूं कि गृह लगाने में उस पर कई महीने लगे, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और आखिरी शेर वहीं से जहां से मैंने मतला कहा था कि करीब पड़ा जो वास्तव से तो सब कमीने लगे,
इस शेर में भी आपको बहुत से कैरेक्टर नजर आएंगे, बहुत से इसमें भूमिकाएं नजर आएंगी आपको। शेर पढ़ता हूं कि मुकर्रर उठे उठकर शराब पीने लगे कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे, बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे जी ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे, वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता मुझे तो सब कमीने लगे, और जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान के रखे। बहुत अच्छा मुशायरा कवि सम्मेलन जो भी आप कहें हो रहा है, और बहुत अच्छा सूत्र संचलन निजामत हमारे निरंजन भाई कर रहे हैं। ये फ्लो और ये रफ्तार ऐसी रही स्टार्टिंग से कि आप भी थम गए थे, आप भी पूरा आपकी भी पूरी की पूरी नजर डायस पे थी और डायस वालों की आप पे, और इस दरमियान हमारे निरंजन भाई का स्वागत छूट गया था। मैं खुद निरंजन का आज के इस मौके पर एक सम्मान चिन्ह देके स्वागत करता हूं, आप जोरदार तालियों से उसके अच्छे सूत्र संचालन के लिए आप निरंजन आप सभी से धन्यवाद किरण भाई, आप सभी से एक प्रार्थना है कि हमारे बीच यहाँ जो मेहमान और जो कभी आए हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बंधु अंशु मालवीय जी, वो अपने साथ कुछ किताबें लाए हैं, तो आप सबसे नम्र निवेदन और प्रार्थना है कि वो किताबें जो खरीदना चाहते हैं वे हमारे कवि मित्र बंधु अंशु मालवीय जी से संपर्क करें कार्यक्रम के पश्चात उन किताबों के लिए। और मुझे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कहा गया है, तो मैं शुक्रिया किन शब्दों में आपका अदा करूं। बाहर में तो बहुत सारे झगड़े वाद चल रहे हैं, जैसे कि अलगाववाद बाहर चल रहा है, फांसीवाद बाहर चल रहा है, मेरे तरफ आपको देने के लिए ऐलान 2018 की ओर से है तहे दिल से धन्यवाद। देशात भयावह वातावरणात गेल्या 3 वर्षापासून किरण मेश्राम हे ऐलान सुरू केलं आहे, आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या ऐलानमध्ये वेगवेगळ्या भाषेतील सगळ्या कवींना एकत्र आणून त्यांनी हा खूप मोठा उपक्रम त्यांचं चालू आहे, त्यांच्या या कार्याला मी भगवान निळे शुभेच्छा देतो। मैं इस प्रोग्राम में इलाहाबाद से शामिल होने के लिए आया ऐलान 2018 में, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है, और इस तरह के प्रोग्राम जहाँ पे आज़ादी के साथ रचनाएं पढ़ी जा सकें, कई भाषाओं की और कई तेवरों की रचनाएं पढ़ी जा सकें, इस तरह के आयोजनों की पूरे देश में बहुत ज़रूरत है। नागपुर ने ये बीड़ा उठाया है, इसके लिए इसके सभी आयोजक बहुत बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पढ़ के मुझे महसूस हुआ खासकर कि मंच पे जो लोग पढ़ रहे थे उनकी तो उनके बारे में तो क्या कहूँ, लेकिन जो सुनने वाले लोग थे, श्रोता थे,
उनसे पता चलता है कि नागपुर में साहित्य का और संस्कृति का कैसी की के लिए कैसी समझदारी और कैसी तमीज़ है। वो लोग पूरे समय वो केवल श्रोता नहीं थे बल्कि पार्टिसिपेट कर रहे थे उन रचनाओं में। तो मुझे इस कार्यक्रम के लिए और इस तरह आगे चलता रहे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल ऐलान की आज बहुत सख्त ज़रूरत है। आज जो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में माहौल है जिस तरह नफ़रतें परोसी जा रही हैं तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है मोहब्बत। और ये ऐलान दरअसल मोहब्बतों का ऐलान है और नफ़रतों के ख़िलाफ़ ये मोहब्बतों का ऐलान, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं इनको बधाई देता हूँ।